तो कोरोना संक्रमण तेजी से अपना पांव फैला रहा है और पूरा सरकारी अमला प्रयास कर रहा है कि इस संक्रमण को और रफ्तार न मिले, इसके लिए जो भी संभव हो वो किया जाए। जहां लोगों को जागरूक करने की जरूरत है वो भी किया जाए और जहां सख्ती बरतने की जरूरत है वो भी किया जाए। ऐसे में इस संक्रमण काल में लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, काफी समस्याएं हो रही और समाज का कोई भी तबका अछूता नहीं है। ऐसे में झारखंड सरकार ने दो महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद करने का फैसला लिया है, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना और फसल बीमा योजना। इन दोनों योजनाओं को बंद कर दिया गया है, आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में चल रही हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछली सरकार द्वारा चलाए गए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को जब बंद किया तो कई आरोप बीजेपी ने लगाए थे। इस बीच राज्य के कृषि मंत्री ने पहली बार बताया कि आखिर क्यों इस योजना को बंद करना पड़ा। बादल पत्रलेख ने कहा कि इस योजना का लाभ किसानों की जगह दूसरों को दिया गया। जब इसकी जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि ये पैसे छात्रों के खाते में जा रहे हैं जो किसान नहीं है, इसलिए इस योजना को बंद किया गया। इनकी जो भी योजनाएं थी, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए, पीएम किसान में सबका नाम होना चाहिए। आप जाके देखिए, एक गांव में 92 लोग मिलेंगे जिनको आशीर्वाद नहीं मिला, एक ही परिवार के लोगों को मिला है, एक ही गांव के लोगों को मिला है, बीच में 2500 गांव है जहां किसी को सिंपल एंट्री नहीं हुआ है। ये डाटा में बहुत सारी गड़बड़ियां थी और वही हाल पीएम किसान का है। इसके अलावा कृषि विभाग ने फसल बीमा योजना भी बंद किया है। इस योजना में भी वित्तीय अनियमितता पाई गई है, जिसके तहत 466 करोड़ रुपए बीमा के लिए दिए गए, लेकिन किसानों को भुगतान केवल 77 करोड़ का हुआ। इसके बाद जब इंश्योरेंस कंपनी से शपथ पत्र मांगा गया तो नहीं मिला, इसलिए इस योजना पर भी रोक लगाई गई है। कृषि मंत्री बादल का कहना है कि ये 3 साल के कार्यों के ऑडिट में बातें सामने आई। ये सवाल जब उठता है तभी योजनाओं को समीक्षा के उपरांत बंद किया जाता है, दूसरा मोड किया जाता है। वैसी योजनाएं जो किसी खास को फायदा पहुंचाने के लिए थी, समीक्षा के दौरान जब आउटपुट को देखा गया तो उसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसका जितना उनको खिंचाई करना है करे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो गलत नहीं बोलते। कृषि के क्षेत्र में पूरा फोकस किसानों की आय दुगनी करके उन्हें कर्ज के बोझ से बचाना है। इसको लेकर पूर्व की रघुवर सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं की खामियां अब सामने आ रही है। इसी का उदाहरण है बंद हुआ फसल बीमा और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसकी गड़बड़ियों को वर्तमान कृषि मंत्री ने उजागर किया है। कैमरामैन अभय के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत, रांची।